दीपा नेटिंग चैनल में मैं आज आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम मूल्य से बनने वाला बेबी का टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। यह आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। इसमें मैं बेबी लेकर बना रही हूँ, आप चाहे तो आपके बच्चा को नाम लेकर भी बना सकते हैं। देखिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसकी वजह से आप किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसका मेजरमेंट लेने के तरीके बताऊंगी। ये 5.5 इंच है और ये फ्लेक्सिबल होता है, ये 6 इंच के हरारी में आ जाता है। देखिए इसका सर की गोलाई इस तरीके से नापना है आपको, ये 12 इंच जिसकी सर की गोलाई है उसको आराम से आ जाता है। देखिए अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हो तो 1 इंच बराबर 7 फंदे का हिसाब से फंदे लेना है। और देखिए इसमें मैं 84 फंदे ले रही हूँ 7 × 12 के हिसाब से। और ये मैं इसमें बेबी लेकर बना रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी नाम लेकर भी बना सकते हैं। देखिए फंदे डालने के नए तरीके मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से लेना है और नीचे की ओर लेकर आना है। अब देखिए ये धागे है, ये आपको सलाई में लेना है और फिर दूसरी धागे लपेटनी है और फिर बाहर निकालना है और कसना है आपको, अर्थात टाइट करना है। अब देखिए इसी तरीके से हम फंदे डालेंगे। देखिए इसमें मैं 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सलाई का यूज़ कर रही हूँ और मेजरमेंट भी आपको इसी हिसाब से बता रही हूँ। देखिए इसी तरीके से आपको फंदे डालना है, इसमें आपको 84 फंदे डालना है। देखिए 84 फंदे डालने के बाद अब देखिए फर्स्ट फंदे बिने बिने उतारना है, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से आपको बीनते हुए बीननी है, मतलब 1x1 का रिब डिजाइन बना लेना है, एक सीधी एक उल्टी। देखिए एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए मैं इसकी बॉर्डर बनाऊंगी। आप चाहे तो दूसरी वाली जो फ्लेक्सिबल होता है वो बॉर्डर डिजाइन डालकर भी बना सकते हैं। देखिए एक सीधी एक उल्टी एक सीधी, इसी तरीके से मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट वाले फंदे हैं, इससे मैं सीधी बीनती हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है आपको। अब ये सीधी बीनने के बाद ये उल्टी साइड से आपको उल्टी तरफ से बिना बिना उतारना है। अब देखिए ये सीधी वाली है, इसे सीधी बीनेंगे। फिर देखिए ये गांठ वाला है, ये उल्टी है इसलिए उल्टी बीनेंगे। देखिए इसी तरीके से बीनते हुए बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको। जो फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते हुए उल्टी साइड पूरी करनी है, इसी तरीके से बनाइएगा। इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए मैं लास्ट फंदा उल्टा बना रही हूँ। अब देखिए सीधी ओर से आपको सीधी तरफ से बिना बिना उतारना है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से बिना बिना उतारना है। अब देखिए एक फंदा उल्टा, मतलब उल्टा फंदा उल्टा बनने है, सीधा फंदा सीधा बनाने है, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते हुए बीनने हैं। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से बनाते हुए एक सीधा एक उल्टा और लास्ट का सीधा, इस तरीके से बनाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है आपको सीधी साइड से और उल्टी साइड से। अब देखिए मैं ये बॉर्डर के लास्ट में आ रही हूँ, इसी तरीके से बीनते हुए एक सीधी एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इसी तरीके से बीनने हैं।
देखिए 1 इंच में बुन रही हूँ। अब इसका ऊपर सारी सीधी सीधी बीनती हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी सीधी सीधी बीनकर इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा, सारी सीधी सीधी बीनकर मैं भी इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनकर बीनती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसके लास्ट में आ रही हूँ। देखिए आपको लास्ट वाले फंदे उल्टी बिनाई बेल लेना है इस तरीके से। अब देखिए सीधी साइड से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है, मतलब सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बिनकर बनानी है इसके ऊपर। इसी तरीके से मैं कुछ रो बीनती हूँ और फिर आपको दिखाती कि किस तरीके से बीनने हैं। देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ बॉर्डर बीनने के बाद, सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बीनकर इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा आप भी। देखिए ये पीछे का साइड और ये फ्रंट का साइड इस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब देखिए इसमें 84 फंदे हैं, 84 फंदे आप 3 भाग में बांटना है, 1, 2, 3 इस तरीके से। और इसमें मैं देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 धारी बना चुकी हूँ इसी डिजाइन का। अब देखिए मैं नाप कर भी दिखाती हूँ, ये 3.5 इंच है। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हो तो और बीन के बना सकते हैं, 28 इधर 28 इधर और बीच में भी 28 फंदे रखकर बना रही हूँ मैं नाम लिखने के लिए। देखिए इधर 28 फंदे हैं। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 28 की जगह आप फंदे बढ़ा सकते हैं। इधर मेरा टोटल फंदे 84 फंदे हैं। 84 फंदे आपको 28, 28, 28 करके 3 भाग में बांटना है। अगर आपका पास फंदे बेसी हो तो आप इसी हिसाब से फंदे डिवाइड करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 दूना 28। अब देखिए इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब देखिए इधर से डिजाइन बनाते हैं, 2, 3, 4 चार फंदे बीनने के बाद एक फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से टाइट करना है आपको। अब देखिए 5 फंदे ग्रे कलर से, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बनाए। फिर व्हाइट कलर से 3 फंदे बनानी है, फिर ग्रे कलर से 2 फंदे बनानी है, फिर व्हाइट कलर से 1 फंदे बनानी है, फिर ग्रे कलर से 3 फंदे बनानी है, 1, 2, 3 फिर व्हाइट कलर से 1 फंदे बनानी है, फिर ग्रे कलर से 3 फंदे बनानी है, 1, 2, 3 फिर व्हाइट कलर से 3 फंदे बनानी है, 1, 2, 3 फिर 2 फंदे ग्रे कलर का बनानी है। देखिए टोटल 28 फंदे। देखिए इधर फिर 28 फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनकर। इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, एक फंदा सीधा लास्ट का।
देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसकी उल्टी साइड फर्स्ट फंदे बिने बिना उतारना है, फिर 28 फंदे सीधी बिननी है। इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। आपको आसानी हो इसलिए मैं आपको नोट ऊपर की ओर लेकर दिखा रही हूँ। अब देखिए 28 फंदे सीधी सीधी बीनते हैं इसी तरीके से। इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, आप देख सकते हैं इधर मैं मार्कर लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए डिजाइन बनाने के लिए धागा अपनी ओर लेकर आना है। ये सीधी बनाए रहे थे हम, अब इधर उल्टी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से दो फंदे गेरे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे गेरे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो गेरे कलर का, एक व्हाइट कलर का, तीन गेरे कलर का, एक व्हाइट कलर का, दो गेरे कलर का, एक व्हाइट कलर का, दो गेरे कलर का, एक व्हाइट कलर का, चार ग्रे कलर का, एक व्हाइट कलर का, चार ग्रे कलर का। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये मार्कर दूसरी साइड लेकर जाना है और ये धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 28 फंदे हैं, इससे हम सीधे बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए लास्ट फंदे आपको उल्टी बिननी है। उल्टी साइड पूरी करने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड, इसमें हम 28 फंदे सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी पिन कर बना लेना है। इसमें मैं 28 फंदे बना चुकी हूँ सीधी सीधी बुनकर। अब देखिए ये मार्कर दूसरी ओर लेकर जाना है। अब इधर चार फंदे ग्रे कलर का बनानी है, एक कलर व्हाइट का बनानी है और फिर चार ग्रे कलर का, एक दो तीन चार, एक व्हाइट का, दो ग्रे का, एक दो, एक व्हाइट का, दो ग्रे का। देखिए ये दो ग्रे कलर का है बीच में, ये गैप देने के लिए है दो अक्षर के बीच में। अब देखिए इधर से फिर एक व्हाइट कलर का, तीन ग्रे कलर का, एक व्हाइट कलर का, दो ग्रे कलर का, एक व्हाइट कलर का, दो ग्रे कलर का, एक व्हाइट कलर का, दो ग्रे कलर का, टोटल 28 फंदे। अब देखिए इतनी बिजाने के बाद ये मार्कर दूसरी सलाई में लेना है। अब देखिए इधर से 28 फंदे सीधी सीधी बिननी है। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा।
28 फंदे सीधी सीधी बीनकर, देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इसकी उल्टी साइड रो 4 में 5 फंदे बिने बिना उतारना है, धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बीनकर। अब देखिए इधर मार्कर है, दूसरी में लेकर जाना है। अब धागा अपनी ओर, दो फंदे ग्रे कलर का, तीन फंदे व्हाइट कलर का, फिर तीन फंदे ग्रे कलर का, पांच फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का, तीन फंदे व्हाइट कलर का, चार फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, एक फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, तीन फंदे ग्रे कलर का। इस तरीके से 28 फंदे बीनने हैं। अब देखिए इधर मार्कर है, ये दूसरी सलाई में लेकर जाना है। अब देखिए 28 फंदे है, इधर 28 फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बीनकर मैं ये पूरी कर चुकी हूँ। अब सीधी साइड से फिर 28 फंदे बीनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाएंगे 28 फंदे। अब देखिए ये मार्कर है, ये दूसरी सलाई में लेकर जाना है। तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, एक फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे व्हाइट कलर का, दो फंदे ग्रे कलर का। इस तरीके से बनानी है रो 5 में। 28 फंदे फिर ग्रे कलर का बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी सीधी बीनकर। इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा सीधा। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी उल्टी साइड फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागे पीछे। अब फिर 28 फंदे आपको सीधी सीधी बीन लेना है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनने हैं 28 फंदे। इधर मार्कर है, इधर तक हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हैं। देखिए इतनी बीनने के बाद ये आपको दूसरी साइड लेकर जाना है मार्कर।
अब इधर से बीनते हैं। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। लास्ट का दो फंदे ग्रे कलर का। इस तरीके से 28 फंदे बीनने के बाद ये मार्कर दूसरी ओर लेकर जाना है धागे पीछे। अब देखिए इधर 28 फंदे हैं, 28 फंदे आपको सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बनाइएगा। इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट का फंदा उल्टा इस तरीके से बनाना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड ये डिजाइन बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इधर फिर आपको 28 फंदे सीधी सीधी बीनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनने हैं यहाँ तक। इतनी बीनने के बाद यह मार्कर दूसरी ओर लेकर जाना है। अब देखिए इधर से दो फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। तीन फंदे ग्रे कलर का, एक फंदे वाइट कलर का। तीन फंदे ग्रे कलर का, तीन फंदे वाइट कलर का। एक दो तीन, तीन फंदे वाइट कलर का। अब देखिए तीन फंदे ग्रे कलर का, चार फंदे वाइट कलर का। तीन फंदे ग्रे कलर का, तीन फंदे वाइट कलर का। लास्ट का दो फंदे ग्रे का। इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अगर आप आपका बच्चे का नाम लेकर बनाना चाहते हैं और किसी भी नाम लेकर बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो में मैं आपको सारी फॉर्मेट बताऊंगी। देखिए इस तरीके से दूसरी सलाई में लेकर जाना है ये मार्कर। अब देखिए इधर हमारा 28 फंदे हैं, इसको आपको सीधी सीधी बीननी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनकर बनाइएगा। देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी। अब इसकी उल्टी साइड, उल्टी साइड में आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर ये 28 फंदे आपको सीधी सीधी बीननी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा 28 फंदे सीधी सीधी बीनकर। 28 फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद ये मार्कर है ये दूसरी साइड लेकर जाना है। अब देखिए धागा अपनी ओर लेकर आना है और इधर से सारी फंदे आपको उल्टी बिनाई बीन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी उल्टी बीनकर। देखिए ये सारी इसी तरीके से बनाते हुए बीननी है आपको।
मतलब जो हम 28 फंदे में डिजाइन डाल रहे थे वो वाले सारी फंदे आपको इसी तरीके से उल्टी उल्टी बिनकर बनानी है। अब देखिए मैं इतनी बना चुकी हूँ और ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है सीधी साइड में, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन है। अब देखिए ये दूसरी ओर लेकर जाना है। अब इधर हम उल्टी ना बुनकर इसको आपको सीधी बनानी है, मतलब ये 28 फंदे में आपको सीधी बनानी है। देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए इसकी सीधी साइड, अब देखिए ये डिजाइन बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसमें बेबी लेकर बना रही हूँ मैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको किस तरीके से बिनने हैं, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और फिर सारी फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं, मतलब आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। देखिए इधर तक हम इसी तरीके से बिनते हैं। अब देखिए ये मार्कर आपको निकालना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब दूसरी मार्कर भी आपको बाहर निकालना है, ये वाला, और फिर इसको भी आपको सीधी सीधी बिननी है। देखिए मतलब हम इसमें 84 फंदे सारी सीधी सीधी बिनकर बनानी है सीधी साइड से। इस तरीके से बनाइएगा, देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है, लास्ट का भी आपको सीधी बनानी है। देखिए इसकी उल्टी साइड, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागे पीछे और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिननी है। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनाइएगा, मतलब इसमें हमारा 84 फंदे है, 84 फंदे सारी हम सीधी सीधी बिनकर बनाएंगे। और देखिए इसमें हम डिजाइन बना रहे थे इसमें भी आपको सीधी सीधी बिननी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, ये बीच का 28 फंदे मतलब 28 फंदे में भी आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बनाएंगे। देखिए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का फंदा उल्टा इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड, सीधी साइड में आपको इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए बनानी है इसका ऊपर, मतलब आपको सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी बुनकर बनानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा सारी सीधी सीधी बुनकर। देखिए इसमें हम बीच में डिजाइन बना रहे थे इधर भी आपको सीधी सीधी बनानी है, मतलब सारी 84 फंदे आपको सीधी सीधी बिनकर बनानी है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ, इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर लास्ट का फंदे भी सीधी इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका लेंथ 5.5 इंच है, अगर आप बड़े साइज का बनाना चाहते हो तो और थोड़ी बुन सकते हैं। अब इसका ऊपर आपको घटाई करनी है, घटाई किस तरीके से करनी है देखिए, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है और एक फंदे सीधी, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला फंदा है। अब देखिए 1 2 3 3 फंदे सीधी बिननी है। और देख अब देखिए इस साइड का एक फंदे कटाने के लिए 2 फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, एक फंदे सीधी बिननी है और इसके ऊपर से 2 फंदे गिरानी है। देखिए इस तरीके से गिराइएगा। अब देखिए इधर इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए इधर का एक फंदे और इधर का एक फंदे घट चुका है, ये 8 का मल्टीपल में मैं घटा रही हूँ। अब देखिए इस साइड का एक और इस साइड का एक घटाने के बाद बीच में हमारा 6 फंदे बाकी है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, इसको आपको घटानी है, मतलब हम दोनों साइड एक एक फंदे घटाएंगे।
देखिए ये मैं उतार रही हूँ और इसको मैं घटाती हूँ। देखिए इधर छः फंदे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर साइड का एक फंदे घटाने के लिए अब आपको ये दो फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और फिर दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घट चुका है और फिर छह फंदे बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, छह फंदे बिनने के बाद फिर एक साइड का इधर का घटानी है, एक उधर साइड का घटानी है, दो फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे का फंदा बिनने है और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इस तरीके से घटाएंगे। देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे घटानी है इसका मतलब आपको, और फिर छह फंदे सीधी सीधी बिनने हैं और फिर दोनों साइड का एक एक फंदे घटाने के लिए दो फंदे दूसरी काठी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए पूरी सलाई बिनने हैं। अब देखिए इधर घटाए थे हम 1 2 3 4 5 6, छः और दो फंदे दूसरी काठी में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से फिर तीन फंदे सीधे 1 2 3। अब देखिए लास्ट में दो फंदे हैं हमारा एक्स्ट्रा वाला, इससे हम सीधी बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से मतलब रॉन्ग साइड से फर्स्ट फंदे बिने बिना उतारना है, फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिननी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बिनकर, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये जो डिजाइन वाला है ये आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है। देखिए इस तरीके से धागे पीछे 1 2 3 4 5 6, छः फंदे सीधी। देखिए ये डिजाइन वाला है, आप देख सकते हैं ये आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है, फिर छः फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6, फिर ये डिजाइन वाला है आप देख सकते हैं इसको आपको उल्टी बिनाई बिन लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बनानी है आपको। इसी तरीके से बिनते हुए मैं डिजाइन वाले में आ रही हूँ, डिजाइन वाली उल्टी फिर छः फंदे सीधी 1 2 3 4 5 6, ये देख सकते हैं आप डिजाइन वाला है, इसको उल्टी बिनाई बिन लेना है। फिर देखिए 1 2 3 4, लास्ट का फंदा उल्टा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड में इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। और पहली बार हमारा दीपांश नीटिंग चैनल में है तो आप ज़रूर हमारा चैनल विजिट करिएगा इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट पाने के लिए। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारते हैं और दो फंदे एक्स्ट्रा वाला है इसे सीधी बिनेंगे 1 2, दो फंदे बिनने के बाद फिर ये सीधी वाले देख रहे हैं आपको, इसका ऊपर को एक फंदे उल्टी वाली लेकर दूसरी काठी में लेकर जाना है, एक फंदे सीधी बिननी है और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से बनानी है, आप देख सकते हैं चार फंदे सीधी 1 2 3 4, और फिर इधर साइड का भी इसी तरीके से घटाएंगे। ये उल्टे फंदे देख रहे हैं आपको और ये सीधी फंदे और एक उल्टी फंदे आपको दूसरी काठी में लेकर जाना है, एक फंदे बिननी है, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको घटानी है, फिर से चार फंदे सीधी 1 2 3 4, और फिर इस तरीके से चार फंदे बिनने के, अब दो फंदे दूसरी काठी में, एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से फिर 1 2, दो फंदे डिजाइन का है
अब देखिए दो फंदे एक्स्ट्रा वाला, इस तरीके से चार फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इसकी उल्टी साइड में जो डिजाइन वाला फंदा है ये आपको उल्टी बिननी है और बाकी में आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिननी है। देखिए एक बार फिर दिखाती हूँ, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागे पीछे, फिर देखिए ये दो फंदे एक्स्ट्रा वाला है और दो फंदे डिजाइन वाला। अब देखिए इधर हम घटाए थे उसी जगह आपको उल्टी बिना बिनने हैं, बाकी में आपको सीधी सीधी बिननी है। देखिए चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और ये कटाई का फंदा है इसको आपको उल्टी बिना बिनने हैं, फिर चार फंदे सीधी। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ये कटाई का, इसको उल्टी, इसी तरीके से बनाते हुए इसकी उल्टी साइड पूरी करनी है, इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये कटाई का है इसलिए उल्टी बिने और बाकी में सीधी सीधी बिननी है। देखिए इसी तरीके से बिनते हुए इसकी उल्टी साइड बिननी है। देखिए ये डिजाइन का है और ये उल्टी बिने और बाकी में सीधी सीधी, इसी तरीके से बिननी है। लास्ट का फंदे आपको उल्टी बिने बना लेना है। देखिए इस तरीके से बिनने के बाद इसका ऊपर फर्स्ट फंदे बिने बिना उतारना है। अब देखिए दो फंदे एक्स्ट्रा वाला है, इसे सीधी बिनेंगे। दो फंदे बिनने के बाद एक फंदे बिनेंगे, एक फंदे उल्टी वाले घटानी है, दो फंदे दूसरी कटिंग में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी घटानी है। फिर दो फंदे सीधी, ये सीधी और उल्टी फंदे दूसरी कट में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए घटाइएगा। अब देखिए दो फंदे सीधी, फिर दो फंदे दूसरी कट में, एक फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इसी बात रिपीट करते हैं। अब देखिए लास्ट का फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा पूरी सिलाई पूरी करने के बाद। अब देखिए इसकी उल्टी साइड में जिस तरीके से हम उल्टी साइड से बना रहे थे उसी तरीके से बनानी है। इसका ऊपर डिजाइन देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अब देखिए उल्टी साइड से फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये दो फंदे एक्स्ट्रा वाला है और फिर एक फंदे सीधी। अब देखिए ये डिजाइन वाला है, इससे उल्टी बिना बिन लेना है धागे पीछे, फिर दो फंदे सीधी, और फिर देखिए ये डिजाइन वाला है, इससे उल्टी बिना बिन लेना है। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बिनने हैं, मतलब हम जिस फंदे घटाए थे उसको उल्टी बिन रहे हैं, बाकी को सीधी सीधी। इस बात को आपको ध्यान देते हुए आपको बिननी है। देखिए लास्ट फंदे उल्टी इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वाला फंदा सीधा। अब देखिए ये सीधी और एक उल्टी फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। सारी आपको इसी तरीके से बिनने हैं, डिजाइन और उल्टी फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। अब देखिए एक सीधी वाली और एक उल्टी वाली फंदे दूसरी कट में लेकर जाना है, पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको सारी बिनने हैं। देखिए मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ और फिर इसका ऊपर आपको किस तरीके से बिनानी है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर का फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और आप चाहे तो किसी भी प्रोजेक्ट में ये इस तरीके से घटाते हुए बना सकते हैं। अब देखिए दो फंदे एक साथ दो का एक बिनने हैं इस तरीके से शुरू वाले फंदे। अब देखिए एक सीधी वाली और एक उल्टी वाली फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, फिर पीछे वाले फंदे बिनने हैं और दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए कटाई करनी है। फिर देखिए एक सीधी और एक उल्टी वाली फंदे दूसरी काठी में, पीछे वाले फंदे बिनने हैं, दो फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा सारी। अब देखिए लास्ट में दो फंदे हैं, इससे भी आपको दो फंदे एक साथ दो का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से
आप देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। अब इसकी उल्टी साइड में इस तरीके से धागा लपेटनी है सलाई में और सारी फंदे इसके ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से गिराते हुए आपको बनानी है, सारी फंदे इसी तरीके से गिरानी है एक एक करते हुए। इसी तरीके से गिराते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, देख सकते हैं आप। और ये इस तरीके से बनाने के बाद ये धागा आपको खींचना है, देखिए इस तरीके से। और देखिए ये धागा थोड़ी लंबा रखकर आपको कट करनी है। देखिए धागा कट करने के बाद इस तरीके से लक लगानी है। अब देखिए इस तरीके से ये बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका डिजाइन और इसका लुक बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका ऊपर का हिस्सा बहुत ही सुंदर है। और देखिए इसको आपको सिल के बनानी है, देखिए किस तरीके से सिलने हैं ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। अब देखिए इसको उल्टी साइड से लेना है। अब देखिए ये दो लेकर आपको सिलने हैं, देखिए ये दो और इस साइड का एक, इस तरीके से लेकर सिलने हैं। अब देखिए फिर इस साइड का एक और ये साइड का दो, इस तरीके से सारी हम इसी तरीके से सिलते हैं। इस साइड का दो और इस साइड का एक, इस तरीके से लेना है और फिर सिल लेना है। सारी हम इसी तरीके से सिलते हुए बनाते हैं, इस साइड का दो और इस साइड का एक। देखिए इस तरीके से सिलते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब देखिए इधर आपको इस तरीके से नट लगानी है। अब देखिए ये नट लगाने के बाद अब इधर एक दो बार गांठ लगानी है, जिसकी वजह से ये ना फूके ना गिरे, इसलिए इस तरीके से गांठ लगानी है। अब देखिए ये आपको ये धागा इस तरीके से लग करनी है, देखिए इस तरीके से ऊपर की ओर लेकर जाना है। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये धागा आप लग करने के बाद कट कर सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका लुक और इसका फिनिशिंग। और ये ऊपर का हिस्सा है, इसके ऊपर हम पम्पम लगाते हैं। देखिए इसके लिए आपको 2.5 इंच का लंबाई का एक गद्दा लेना है। गद्दा का ऊपर आपको धागा लपेटने, जितनी ज़्यादा धागा लपेटोगे उतने आपका सुंदर बनेगा। देखिए इसमें मैं 120 बार लपेट चुकी हूँ। अब देखिए ये इस तरीके से निकालना है और निकालने के बाद आपको बांधना है, देखिए इस तरीके से टाइट से बांधना है। अब देखिए इसको इस तरीके से 20 सेंटर से बांधना है, ये बात आपको ध्यान देना है। इस तरीके से 20 सेंटर से एक दो बार और लपेट कर बांध सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से नट लगाने के बाद आपको इसको काटना है, 20 सेंटर से काटना है। देखिए सारी इसी तरीके से काटनी है, दूसरी साइड की भी आपको इसी तरीके से काटना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको शेप देने के लिए और इसको थोड़ी काटते हैं। अब देखिए ये बनकर रेडी है। अब देखिए इस तरीके से लगाएंगे। इस टोपी को फैंसी लुक देने के लिए आप निटिंग से और धागे से और कुरुसे से किसी भी चीज़ बना सकते हैं। ये मैं कांटी से बना रही हूँ और इसी तरीके से बनाते हुए इसमें भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो धागे से सिलाकर भी बना सकते हैं, पर इसमें मैं कुरुसे से
बना रही हूँ। और ये किस तरीके से बनाना है दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, दीपा नीटिंग चैनल का वीडियो में जाकर देखिए। देखिए इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट दीपा नीटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करिए, अभी तक नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।